चलिए नमस्कार सभी को। देखो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपका मैंने बताया था विनस एंड एडोनिस को आप पढ़ लेना एक बार। पढ़ा है थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा उसके बारे में, बाकी उसकी थोड़ी वीडियो मैंने बना दी है। उसके जितने भी आगे जो भी आपके जैसे रेप ऑफ लूसियस कल पढ़ेंगे उसके बारे में हम, या और भी जो पोएम उठेंगी, दो पोएम्स लेंगे कल हम, ठीक है। तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा एक्सप्लेनेशन डल जाएगा, उससे एक हल्की सी समरी समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो जितने भी समरीज होंगी उसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। तो समरीज तो आप वहाँ से उठा लीजिए और जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में फिर वो यहाँ से पढ़ लीजिए। और एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो सकता है, सुनने में यही आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगस्त में एग्ज़ाम होने की। पर फिर भी अपने प्रिपरेशन करके चलो, जितने क्वेश्चंस उठा सकते हो उतने क्वेश्चंस उठाओ, जो भी एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो विनस एंड एडोनिस के क्वेश्चंस हैं। टीजीटी पीजीटी सब एग्जाम्स में बेसिकली आए हुए हैं और सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और या फिर पूछे जा सकते हैं, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना, पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़े बेसिक समझ लीजिए इसके बारे में। हालांकि मैंने हल्का सा उस यूट्यूब की वीडियो में बताया है थोड़ा बहुत, तो आपको मालूम होगा। देखिए एक तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझिए। ये पब्लिश कब हुआ था? 1593 में, ठीक है। और ये शेक्सपियर एज नैरेटिव पोएम्स, ये शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम्स की तरह पब्लिश हुआ है। नैरेटिव पोएम्स को मैंने डिस्कस कर लिया, नैरेटिव पोएम बताई भी थी यूट्यूब की क्लास में, चेक कर लेना क्या है। मतलब लास्ट क्लास में हो चुका ना आपका नैरेटिव पोएम्स, आप दोपहर क्लास डाली थी वो वाली आपने चेक की होगी। नैरेटिव पोएम्स में क्या करते हैं, अगर आप चाहोगे तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज ले लेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। नैरेटिव पोएम्स में राइमिंग बहुत ज़रूरी नहीं होती है। नैरेटिव पोएम्स में क्या होता है कि कहानी का एक फैक्टर चलता रहता है, लंबी पॉइंट पंक्ति चली जाती है, पोएम बनती चली जाती है, और कहानी के तौर पे जैसे हम एक कहानी सुना रहे होते हैं वो नैरेटिव पोएम्स होते हैं, जैसे वर्णन से आप मीनिंग समझ जाइएगा इसका। तो ये 1593 में पब्लिश हुई थी। और देखो ये पोएम जो है आप समझोगे, ये कॉमिक भी है, ये इरोटिक एंड ट्रेजिक भी है, और ये पैस्टोरल है। पैस्टोरल, कॉमिक, इरोटिक एंड ट्रेजिक, ये सारी क्वालिटीज पोएम के अंदर आपको मिलेगी पैटर्न के हिसाब से। और इट इज़ रिटन इन सेस्टा रिमा। सेस्टा रिमा का मतलब 6 लाइन पोएम है, और इन 6 लाइन पोएम में पहला 4 लाइन्स क्वाट्रेन है और बाद की 2 लाइन्स जो हैं वो कपलेट है। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी सी, ये ध्यान रख लोगे आप इसको। और इट वाज पब्लिश्ड ओरिजिनली एज ए क्वार्टो, इसे क्वार्टो की फॉर्म में पब्लिश किया गया था। क्वार्टो एक पम्पलेट फॉर्म होता है, छोटा पार्ट होता है। एंड पब्लिश्ड विद ग्रेट केयर, इसे बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ मान के, जिसको एक बहुत ही डेलिकेसी के साथ पब्लिश किया गया था। और इट वाज रिटन व्हेन द लंदन थिएटर, ये बता रखा मैंने आपको उसमें भी कि जब लंदन थिएटर्स जो थे वो बंद हो चुके थे क्योंकि प्लेग फैल चुका था, तब इसको पब्लिश किया गया था, रिटन किया, राइट किया गया था। और दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन द स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे ये पोएम इंस्पायर्ड किससे है, तो ये ओविड नाम का एक लैटिन पोएट है, ओविड है उसका नाम लैटिन पोएट का, और उसने एक लिटरेरी वर्क था मेटामॉर्फोसिस, एक नैरेटिव पोएम थी इसकी भी, और ये उसी से इंस्पायर्ड है। अगर पूछा जाए कि इंस्पायर्ड किससे है, तो ये ओविड की एक पोएम है मेटामॉर्फोसिस, नैरेटिव पोएम, उसी से ये इंस्पायर्ड है। कुछ फैक्ट्स देखो इसके ध्यान से। इसमें 199 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? 6 लाइन से, बताया 6 लाइन स्टेंजा सेस्टेट था, ठीक है। और इसमें 140 नहीं ज़्यादा होगा, इधर कट रहा है। इसे 1194 लाइन्स है। डेडिकेटेड टू 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी वर्थस्ले, ये विलियम हर्बर्ट भी इसी को कहते हैं। डेडिकेट किसको किया गया? इस बंदे को किया गया, तो समझ लेना, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे मैं आपको जो ना इसके PDF डाल दूंगा इस बार, तो वहाँ से आप प्रिंट निकलना चाहो निकलवा लेना, वो वाइट बैकग्राउंड में प्रिंट रहेगा उसका, व्हाट्सएप दिलवा दूंगा उसको। शेक्सपियर जो था इसने कहा था कि ये जो पोएम है ये फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन है, मतलब ये मेरी पहली उत्तराधिकारी है या मेरी पहली संपत्ति, आप इसे समझ सकते हैं, फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन है। और इट वॉज स्टार्टेड इन 6 लाइन स्टेंजाज बिगिनिंग विद ए क्वार्टो एंड ए कपलेट। और वेनस इज द सिंबल ऑफ पैशन, अब इसको समझिएगा, वेनस इसमें किसका सिंबल है? सेंसुअलिटी का, पैशन का, और ग्लोइंग लव का। वेनस बताया था ना, देवी है, प्यार की देवी को कहा गया, गॉडेस ऑफ लव को वेनस कहा गया। और एडोनिस जो है ये नेगेटिव ऑफ लव है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाला बंदा नहीं है। इसकी जो समरी है वो मैंने पिछली क्लास में बता दी, आप लोगों को वीडियो उठा के देख लेना, 5-7 मिनट की वीडियो छोटी सी है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। और देखिए इसके बारे में क्या कहा है वाल्टर रेली ने कहा है, डेस्टिट्यूट ऑफ फीलिंग फॉर द ह्यूमन सिचुएशन, डेस्टिट्यूट ऑफ फीलिंग फॉर द ह्यूमन सिचुएशन। यदि ये लाइन पूछे किसने कही है, वाल्टर रेली ने कही है। किसके बारे में कही है? वेनस एंड एडोनिस के बारे में कही है। ये सारी चीज़ें तुम्हें रटनी पड़ेंगी। विलियम हैजलिट ने वेनस के लिए कहा है, क्या कहा है? एक कपल ऑफ आइस हाउसेज एज हार्ड एज ग्लिटरिंग एंड एज कोल्ड। ये देख लेना अपने हिसाब से, अगर मिल जाए कभी क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं है पर फिर भी याद रखिएगा। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, इसको पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिलवा दूंगा। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, उनको ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके एडोनिस और वेनस और एडोनिस के ऊपर हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें विलियम शेक्सपियर के दूसरे पॉइंट्स के ऊपर हैं। तो रेगुलर क्वेश्चंस पे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। देखो अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट पोएट्री क्या है, सेकंड पोएट्री क्या है, ये पॉइंट समझ लेना। फर्स्ट पोएट्री फर्स्ट वर्क नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट पोएट्री वो पूछ रहा है, तो फर्स्ट पोएट्री में जो पोएम की फॉर्म में थी वो थी वेनस एंड एडोनिस, याद रखिएगा। इसके बाद इसने लिखा था लेप ऑफ लुसरी, इसको कहा जाता है सेकंड पोएट्री। ये पॉइंट समझना, फर्स्ट पोएट्री किसको कहते हैं? वेनस। वेनस का स्पेलिंग ठीक करो, VE। वेनस एंड एडोनिस फर्स्ट पोएट्री है, सेकंड पोएट्री क्या है? रेप ऑफ लुसरस। समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, देखिए, फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन इज टेकन, लव इज ऑल ट्रूथ लस्ट फुल ऑफ फॉर्ज्ड लाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम का, ध्यान रखिएगा। जब भी पूछे इसको ये कौन सी पोएम से लिए गए हैं, लव इज ऑल ट्रुथ लस्ट फुल ऑफ फोर्स्ड लाइज, मतलब सिर्फ जीवन, मतलब प्रेम ही सत्य है, प्यार ही सच है, बाकी जो वासना है वो तो झूठ है, वो तो एक दबाव है, झूठ है। तो ये कौन सी पोएम में कहा गया है बताइए जल्दी। हाँ, वेनस एंड एडोनिस। टॉपिक यही चल रहा है, चैप्टर यही चल रहा है, तो यही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये लाइंस को ध्यान रखे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसका। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन वेनस एंड एडोनिस। कितने हैं बताइए, कितने स्टेंजाज हैं? 199 स्टेंजाज विद 6 लाइन्स ईच। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखना। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वेनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर। कौन सी राइम स्कीम को बताइए? ABABCC, ठीक है। ये राइम स्कीम ध्यान रखना। इसमें एक क्वार्ट्रेन है और एक क्या है, कपलेट। एक क्वार्ट्रेन एक कपलेट, एक क्वार्ट्रेन एक कपलेट। मैंने यूट्यूब पे क्लास डाली, एक बच्चे ने कहा कि सर विलियम शेक्सपियर के लिए रेस्पेक्ट शो करो, जैसे हमारे बाबा जी लगते हैं, दादाजी लगते हैं हमारे। अब राइटर है, राइटर के हिसाब से पढ़ लो, समझ गए ना, ठीक है। शेक्सपियर के लिए आप रेस्पेक्ट, मैंने समझ में ना, मैंने अपमान कहाँ किया इस आदमी का, मुझसे कोई अपमान की बात नजर आई नहीं, पर फिर भी जैसे पढ़ा जाएगा उस तरह से पढ़ सकते हैं ना नॉर्मली। अभी ये थोड़ी है इसके पैर छू चुके हैं, कान पे हाथ लगा लगा के नाम लेंगे इसका हर बार। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट वेनस एंड एडोनिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सही है वेनस और एडोनिस के बारे में। ऐसा क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिव होता है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। उसने कहा कि एडोनिस वॉज किल्ड बाय द बोर वाइल ही वॉज लाइंग बिसाइड वेनस द गॉडेस ऑफ लव। ये सही है जी, सही है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड क्या, दिस पोएम वाज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। ये आयम्बिक टेट्रामीटर में नहीं है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में है, ध्यान रखिएगा। ये रिटन जो लिखा, ये राइटिंग स्किल जो है, ये आयम्बिक। अच्छा आयम्बिक को मैंने आपको बताया था, आयम्बिक में क्या होता है, 2 सिलेबल का मीटर होता है और पहला सिलेबल क्या होता है उसका, अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपके, ध्यान रखना। तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में नहीं है, गलत है। और दिस पोएम इज इंस्पायर्ड एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस बाय लैटिन पोएट ओविड। ये सही ऑप्शन है, समझ जाओगे। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए बाकी फोर्थ ऑप्शन इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के देख लो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इसका। फोर्थ ऑप्शन लिखा है, व्हेन एडोनिस सॉ द इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ वेनस the goddess, he left his hunting spirit and started only wandering about with her on the back of his horse. Possible नहीं है, उल्टा ही कर दिया तो मामला इसमें, समझ गए ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऑप्शंस भी फिल करके आते हैं वो तब है जब आपने छोटा सा पॉइंट है, 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट का इसका समरी है। अगर वो समरी भी नहीं समझे ना तो इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी आपको क्या है, समझोगे? तो समरी थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हेन वाज वेनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड? बताइए 1592 और 1593, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, 1593 के आसपास में। चलिए नेक्स्ट आइए, Who was the publisher of Shakespeare's Venus and Adonis? इसका पब्लिशर कौन था? रिचर्ड फील्ड। रिचर्ड फील्ड याद रखिएगा सर, रिचर्ड फील्ड। हालांकि विलियम शेक्सपियर ने भी पब्लिश कराया था इसको, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रिचर्ड फील्ड। अच्छा, विलियम जैगर्ड और आइजैक का स्पेलिंग ठीक कर लो, इजैक जो था ISAAC, ये भी पब्लिशर्स थे, लेकिन ये फोलियो वोलियो में आएंगे इनके नाम निकल के। जो विलियम शेक्सपियर का जो फोलियो पब्लिश हुए थे उसके नाम है, इन्होंने पब्लिश कराए थे, उसमें चेक करना। नेक्स्ट है, ये प्रिंटिंग वगैरह थे, प्रिंट वगैरह प्रेस वगैरह में थे, उसमें पढ़ के देखना उसको था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। विच इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर? इसमें से कौन सा पहला है पब्लिश्ड वर्क विलियम शेक्सपियर का? बताइए, विच इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर? हाँ जी, पब्लिश्ड वर्क नहीं है ये तो फर्स्ट वर्क है इसका। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वेनस एंड एडोनिस ही जाएगा, वेनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट भैया, हु सेड, किसने कहा था, वेनस इवोक्स द इरोटिक फ्लर्टेशन? फ्लर्ट हो जाता है, फ्लर्ट होता है, फ्लर्टिंग जानते होगा आप लोग। तो अगर वेनस ने उकसाया था द इरोटिक फ्लर्टेशन इन एलिजाबेथ्स प्रैक्टिस ऑफ कॉर्टशिप, वेनस इवोक्स द इरोटिक फ्लर्टेशन इन एलिजाबेथ्स प्रैक्टिस ऑफ कॉर्टशिप, ये बात किसने कही थी? चेक कीजिए, तुक्का तो मार नहीं सकते इसमें आप, पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, कुछ स्टेटमेंट जो किसी के बारे में दिए गए हैं कि वेनस को एलिजाबेथ की प्रैक्टिस ऑफ कॉर्टशिप जो थी, कॉर्टशिप होता है जो राजदरबार वगैरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, तो वेनस ने इवॉक किया था। ये जो बात कही थी ना, ये कही थी पीटर एरिक्सन ने, ये पीटर एरिक्सन, इसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से इनके नोट्स बनाओ, यहीं से याद करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये पीटर एरिक्सन ने कहा था वेनस के बारे में कि वेनस इवॉक्स द इरोटिक फ्लर्टेशन इन एलिजाबेथ्स प्रैक्टिस ऑफ कॉर्टशिप। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्टेंजा फॉर्म ऑफ वेनस एंड एडोनिस? स्टेंजा फॉर्म क्या है इसकी? राइम रॉयल, क्वार्टरिन स्टेंजा, सेस्टेट स्टेंजा या ऑक्टेव स्टेंजा, कौन सा होगा? सेस्टेट स्टेंजा। 6 लाइन है, राइमिंग स्कीम क्या है? ABABCC। चलिए फर्दर क्वेश्चन आइए, और इस तरह के क्वेश्चंस आप, अरे एक पेज हो रह गया, इसी तरह के क्वेश्चंस आप कर लो तो आपको जो ना हेल्प मिल जाती है एग्जाम्स में। हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस उठा लीजिए जितने उठ सकते हैं। देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट वेनस एंड एडोनिस, वेनस और एडोनिस के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो सच नहीं है? पहला, दिस इज ए 199 स्टेंजा, 1194 लाइन्स एंड आयम्बिक पेंटामीटर पोएम रिटन इन सेस्टेट फॉर्म, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सही है। वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी वर्सले, जनरली बिलीव्ड टू बी विलियम हर्बर्ट, ये भी सही है, इसी के तो डेडिकेट की थी ना ये भी सही है, लेकिन मालूम होंगे तभी कर सकते हो उसमें। डॉगलस बुश कॉल्ड इट इज अ म्यूजियम पीस, अब ये तो पता ही नहीं हमें। सो शैल आई डाई बाई ड्रॉप्स ऑफ हॉट डिजायर्स इज ए लाइन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, ये बिल्कुल सही, ये लाइन जो है इसी पोएम की है। आप समझिएगा इस चीज को, अगर ये लाइन पूछ भी लेता है क्वेश्चन में कि सो शैल आई डाई, सो शैल आई डाई, ये आया भी था एक जगह पॉइंट, सो शैल आई डाई, ये जब हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी वगैरह पढ़ी थी कहीं तो उसमें एक पॉइंट आया था कि सो शैल आई डाई, ये किसने था? वेनस एंड एडोनिस से लिया हुआ पोएम से था। अगर वो इतना ही पूछते रहता ना, सो शैल आई डाई, ये किसकी पोएम से लिया हुआ? विलियम शेक्सपियर की पोएम से लिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इसलिए ऐसी लाइन जब देगा इंपॉर्टेंट देगा। डगलस बुश ने जो ये पॉइंट कहा था, ये जो कहा था इट इज़ अ म्यूजियम पीस, ये रेप ऑफ लूसियस के लिए कहा था, ना कि वेनस एंड एडोनिस के लिए, ये ध्यान रखना है इसमें। ये रेप ऑफ लूसियस के लिए कहा है, जब क्वेश्चन आएंगे कल हम पढ़ेंगे रेप ऑफ लूसियस के बारे में, उसके क्वेश्चंस उठा लेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस याद करके चलो, इसमें बहुत चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में दिमाग खराब करेंगी। तो इसमें कौन सी चीज़ गलत है? सी ऑप्शन, ये इसने नहीं कहा था इसके बारे में। नेक्स्ट आइए, इस लाइन को ध्यान से देखो, कॉल इट नॉट लव, इसको प्यार मत कहो, फॉर लव टू हैवन इज फ्लेड। फॉर लव टू हैवन, फॉर लव क्योंकि प्यार जो है वो तो मतलब बस खत्म हो चुका है स्वर्ग से, जो भी है। कॉल इट नॉट लव, अब लव जो भी लाइन मैंने कहा लो, मीनिंग पर चक्कर बहुत ज़्यादा मत पढ़ना। फ्रॉम विच इज दिस लाइन टेकन, ये लाइन कौन सी पोएम से है? रेप ऑफ लूसियस, लवर्स कंप्लेंट, ये भी एक पोएम था विलियम शेक्सपियर का। व्हेन आई हैव सीन, ये भी है। और वेनस एंड एडोनिस, कौन सा होगा? वेनस एंड एडोनिस। टॉपिक ये चल रहा है, याद रखो, लाइन हमेशा याद रखिए इसमें, ठीक है ना। जो जो लाइन्स आ रही हैं वो कौन कौन सी पॉइंट्स होंगी, तो फिलहाल ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ। फिलहाल टॉप कंसेप्ट है वेनस एंड एडोनिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो अगर कॉल इट नॉट लव फॉर लव टू हैवन इज फ्लेड, ये लाइन भी वेनस एंड एडोनिस का ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, हु सेड, किसने कहा था? एडोनिस इज रिफ्यूजल, एडोनिस इज रिफ्यूजल, जो एडोनिस का रिफ्यूजल था, यानी कि एडोनिस ने जो मना किया था प्यार के लिए, कैन बी रेड एज ए हेट्रोसेक्सुअल इंपॉर्टेंस। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब है लड़के का लड़की के प्रति प्यार और लड़की का लड़के के प्रति प्यार, उसमें इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस जानते हो आप, ठीक है ना, मतलब वो प्यार कर ही नहीं पाता वहाँ पर। तो मतलब एडोनिस रिफ्यूजल कैन बी रेड एज हेट्रोसेक्सुअल इंपॉर्टेंस दैट इंप्लाइज ए होमोसेक्सुअल मोटिव टुवर्ड्स हुज फुलफिलमेंट द पोएम एक्सप्रेसेस रिजर्वेशंस एज स्ट्रॉन्ग एज इट रिस्टिवनेस अबाउट फीमेल पावर। यानी इस लाइन को आप हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल वर्ड से याद कर लो। वेनस ने मना किया था तो इसका मतलब दिखा हेट्रोसेक्सुअल था, और घोड़े घोड़े से प्यार करने लगे थे, वो होमोसेक्सुअलिटी को दिखा था, मतलब अलग अलग पॉइंट इसमें। तो हु सेड, एडोनिस का जो रिफ्यूजल था हेट्रोसेक्सुअल था या होमोसेक्सुअल, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, हेट्रोसेक्सुअल इंपॉर्टेंस एंड होमोसेक्सुअल मोटिव। ये किसने कहा था इनमें से बताइए? एडोनिस के लिए विलियम ई शेल्डले या MC ब्रेडब्रोक, पीटर एरिक्सन या जोनाथ क्रेव। नाम ही नहीं सुनोगे बहुतों के तो आप लोगों ने, लेकिन ये लाइन भी पीटर एरिक्सन ने ही कही थी, ये भी पीटर एरिक्सन ने ही कहा था। तो पीटर एरिक्सन के दो स्टेटमेंट आए इसके बारे में, उसको नोट कर लीजिएगा, इन्हें याद करना पड़ेगा, इनका कोई तरीका नहीं है और इन लाइन्स का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पोएम डू दीज लाइन्स रेफर, ये कौन सी पोएम के रिलेशन में लाइन्स है? फाई फाई फॉन्ड लव दाउ आर्ट सो फुल ऑफ फियर, ये पूरी लाइन्स लिख दी इसने, ठीक है ना। फाई फाई फॉन्ड लव दाउ आर्ट सो फुल ऑफ फियर, फाई फाई मतलब धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे। फॉन्ड लव दाउ आर्ट सो फुल ऑफ फियर, तुम तो इतने डरे हुए हो, मतलब लैंग्वेज समझो इसकी। एज वन विद ट्रेजर लेडन हम द थीव्स, राइम भी चेक करना है इसमें, फियर को मानेंगे आप ए मान लीजिए और थीव्स को मान लीजिए आप बी, ठीक है ना। ट्रिफल्स अनविटनेस्ड विद आई और ईयर, तो फियर ईयर से रिलेट होगा ए। दाई कवर्ड हार्ट, तुम्हारा डरपोक दिल जो है, विद फॉल्स बेथिंकिंग ग्रीव्स, अब वे थीव्स और ग्रीव्स एक साथ जाएगा बी। Even at this world she hears a merry horn, यहाँ पे क्या जाएगा C, ठीक है ना। और whereat she leaps that was late for lawn, तो horn lawn ये जाएगा C से। तो A B C C। अगर वो पूछे कि इसको कौन सी पोएम से लिया गया, पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट की राइम स्कीम याद रखो। मतलब अगर ऐसी लाइन में कई बार कन्फ्यूजन आ जाए, आपको पूरी लाइन दे दे, तो वहाँ पे तरीका ये है कि वहाँ पे आप उसको राइमिंग स्कीम याद होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी थीम याद होनी चाहिए। लव वव का चक्कर चल रहा है कुछ, यहाँ पे उसको धिक्कार भी रही है वो, कि धिक्कार है तुझ पे, ऐसा प्यार तुझ पे हो ही नहीं पा रहा, ये हो रहा वो हो रहा दुनिया भर के बाद। तो एक तो राइम स्कीम ध्यान रखो, पैराडाइज लॉस्ट की राइम स्कीम मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं है, ए बी सी सी नहीं है। दूसरी लव्स लेबर्स लॉस्ट, वेनस एंड एडोनिस और द फिनिक्स एंड द टर्टल, यदि इनको आप पढ़ोगे, क्योंकि फिनिक्स एंड टर्टल भी हम कल ही डिस्कस करेंगे, कल हम दो पोएम्स से स्टार्ट कर डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो कौन सा है? रेप ऑफ लूसियस और दूसरा द फिनिक्स एंड टर्टल। इन दोनों की राइम आपको समझ में आ जाएगी, ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखा हुआ है, ये आ जाएगा पॉइंट आपको समझ में धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसमें जो राइमिंग वगैरह देख लोगे उससे अंदाजा लगा लो। ए बी सी सी ये राइमिंग स्कीम है वेनस एंड एडोनिस का। कई बार आती है पूरी पूरी पोएम आपके सामने रख देता है 10-15 लाइन की वो, या 6 लाइन की 7 लाइन की, तो उसकी राइमिंग से आप समझो वो कौन सी पोएम से हो सकती है। तो समझ गए मैं क्या करूँ, ये है एडोनिस से। नेक्स्ट आइए, अच्छा दूसरी एक और चीज़ ध्यान रखना, आप लोग गलती हो जाती है कि जब क्वेश्चन में वो एक पोएम लिख के देगा तो उसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछता हो सकता है आपसे, वो क्वेश्चन पूछ ले उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो जब वो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में क्वेश्चन पूछे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कौन सी पोएम से है, तो या किस राइटर से लिखा हुआ है या किस पोइट का लिखा हुआ है वर्क है, ठीक है ना, कौन सी पोएम का, कौन से सीन पिन एक्ट वैक्ट जो भी लिखा है वो लिख देगा उसमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस टाइम पर आपको उसका मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। मीनिंग निकालो तब निकालो जब पोएम को आपको कहीं पे लोगों को समझाना हो, वरना पोएम का या फिर किसी भी लिटरेरी वर्क का आपको सिर्फ समरी पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, थोड़ी सी थीम पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, उसके मीनिंग में घुसने की आपको ज़रूरत तो नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दो, और राइमिंग स्कीम जरूर पता हो सभी की अगर है तो। फ्री वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, फिर तो अलग अलग पॉइंट है उसके। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो चेक करो ध्यान से, उसने कहा विनस इज द गॉडेस ऑफ लव दैट कम्स डाउन टू अर्थ टू सेव एडोनिस लाइफ फ्रॉम द बॉर्स अटैक। अगर आपने पढ़ी हो स्टोरी थोड़ी बहुत कि विनस जो प्यार की देवी थी वो पृथ्वी पे आई ही इसलिए थी कि वो एडोनिस के जीवन को बचा सके बोर के अटैक से, ये था। चलो वो नॉट ट्रू ही पूछना, तो यही गलत हुआ ना, वो तो उससे उस प्यार करने आई थी, वो ये थोड़ी आई थी कि वो जंगली सुअर से उसकी जान बचाएगी। समझ गए, आगे पढ़ के पढ़ना चाहो पढ़ के देख लो। हिज हॉर्स बिकम्स एनामोर्ड ऑफ अनदर हॉर्स हु एट फर्स्ट रेजिस्ट्स बट सून द टू एनिमल्स गैलप ऑफ टुगेदर। ये बिल्कुल सही है, ये बताया था कि उसके घोड़े पे भी असर हो गया था प्यार का। और वेनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड सेस्टेट स्टेंजा फॉर्म्स विद वन क्वाट्रेन एंड वन कपलेट, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सा हुआ, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए नहीं आई थी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु सेड, किसने कहा था शेक्सपियर इज इनकारनेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फेडरलिज्म इन लिटरेचर। शेक्सपियर के साथ यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लीजिएगा इनकारनेट, इनकारनेट होता है जिसने अवतरण लिया हो, ठीक है ना। और अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये दो वर्ड याद रखिएगा, पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। शेक्सपियर को इनकारनेट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो बोला था वो किसने बोला था, वो था वॉल्ट विटमैन। अगर शेक्सपियर को जैसे मैंने बताया एडोनिस के बारे में होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल जो वर्ड आए थे, ये दोनों वर्ड अगर आ जाए पूरी लाइन याद मत रखो, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल याद रख लो। किसने कहे थे, बोल गए हां जी, पीटर, पीटर तो याद होगा थोड़ा बहुत तो, हाँ चलो ठीक है ना। ऐसी वॉल्ट विटमैन, इसको ध्यान रखिएगा, WW वॉल्ट विटमैन जो था ये, इसने कहा था शेक्सपियर को इनकारनेट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग। पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े वर्ड याद रखो। नेक्स्ट आइए, व्हेन डिड शेक्सपियर ब्रीथड लास्ट, उसने कब एक्सपायर हुआ था शेक्सपियर, बताइए। देखो 1616 में सबको मालूम है, और 23 तारीख थी वो भी सबको मालूम है, लेकिन मंथ याद रखो, जुलाई, जनवरी, अगस्त या अप्रैल, ये अप्रैल था। ये आपका अप्रैल फूल बना देगा, ये ध्यान रखेगा। विलियम शेक्सपियर क्या करे, हाँ इसका जो बर्थ था वो भी अप्रैल में था, ठीक है ना, कौन सी डेट में था, लेकिन ईयर क्या था, 1564, और डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 23 अप्रैल। आप इसे ध्यान रखिए, अप्रैल फूल बनाता है बंदा ये, मतलब ईयर याद रख लो बस, उसमें आप उसका डेट ऑफ बर्थ भी, मतलब बर्थ का भी वही डेट था इसका, और डेथ का भी वही डेट था, ठीक है ना। और बस अप्रैल फूल से याद रख लेना, विलियम शेक्सपियर ने अप्रैल फूल बनाया। चलिए वही डेट पूछ लेता है इसमें कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन को देखो, हु अमंग दीज पोएट्स वाज नॉट इन द कंपनी ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, इनमें से कौन सा पोएट है जो यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं था। थॉमस नेश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन डन और जॉन लिली। कौन नहीं था? बिल्कुल सही बात है, जॉन डन नहीं था। जॉन थॉमस नेश भी था, रॉबर्ट ग्रीन भी था, जॉन लिली भी था यूनिवर्सिटी विट्स। और यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा, कौन थे ये मालूम है ना। ये तीन इसमें ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, तीन इसमें कौन से थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, और एक कहीं से नहीं था, वो कौन था? थॉमस किड। चलिए नेक्स्ट है ये हु, हाँ, हु एलोबरेटेड, किसने कहा था इस बात को? द एडोनिस ऑफ शेक्सपियर्स पोएम, के जो शेक्सपियर की पोएम का जो एडोनिस है, इज कॉट बिटवीन द पोल्स ऑफ इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, वो प्यार और अलगाव में फंस गया। किसने कहा था ना? पीटर एरिक्सन। सब कुछ पीटर एरिक्सन थोड़ी कहेगा। जोनाथन क्रीव, जोनाथन जो भी है, जोनाथन क्रीव, या फिर कॉपेलिया कैन, कॉपेलिया कैन के बारे में भी नाम आएगा इसमें, या विलियम ई शेडले, या पीटर एरिक्सन। बताइए किसने कहा था ये लाइन कि जो एडोनिस है विलियम शेक्सपियर का, वो इंटीमेसी और आइसोलेशन में फंस गया। अब ये दो वर्ड याद रखना, इंटीमेसी और आइसोलेशन। वहाँ ध्यान रखें हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, यहाँ ध्यान रखें इंटीमेसी और आइसोलेशन। ये कहे थे कॉपेलिया कैन ने, कॉपेलिया कैन। अब ये कहाँ से नाम आए भाई हमें नहीं पता, बस याद रख लो इनको, क्योंकि मजबूरी है, तुमने सब्जेक्ट ऐसा चुन लिया, मैं क्या करूँ। नेक्स्ट देखिए, सम अदर क्वेश्चन है जो विलियम शेक्सपियर के बारे में है। यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आप एडोनिस और मतलब वेनस एंड एडोनिस के बारे में याद रखिएगा। उससे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो विलियम शेक्सपियर के हैं, लेकिन वो इनसे अलग हैं थोड़े से, जरूरी नहीं वो एडोनिस के बारे में हो। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड शेक्सपियर गेट मैरिड विद एनी हैथवे? ये नाम पूछा जाता है, इसकी वाइफ का नाम क्या था, रटा हुआ होगा सबको। तो कौन सी डेट थी बताइए? 28 नवंबर 1582 में शादी हुई थी बंदे की। चलो, When did Shakespeare's ड्रामा कंपनी, जो उसकी ड्रामा कंपनी थी, उसने क्वीन एलिजाबेथ के सामने कब परफॉर्मेंस किया था? ये चीज तो ध्यान रखना कि जिस डेट, जिस ईयर में क्वीन एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ एक्सपायर हुई थी, कौन सी एज में हुई थी पता है? कौन से ईयर में एक्सपायर हुई थी? 1603 में। और 1603 में ही किंग जेम्स राजा बना था, किंग जेम्स फर्स्ट, जो स्कॉटलैंड का किंग जेम्स सिक्स था, मालूम है? हम तो विलियम शेक्सपियर ने उसी ईयर में लगभग 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही एक परफॉर्मेंस तो दिया था क्वीन एलिजाबेथ के लिए, और तब उसकी कंपनी का नाम कुछ और था। और फिर जब किंग जेम्स का जो क्राउनिंग हो रहा था, तब भी उसकी ड्रामा कंपनी ने एक परफॉर्मेंस दिया था, तब उसकी कंपनी का नाम बदल दिया गया था, वहाँ पे नाम हो गया था किंसमैन, मैं बता दूंगा ऑस्ट्रेलिया को जो भी है, ठीक है ना। लेकिन डेथ हुई थी 1603 में। अब ये भी 1603 है, ये भी 1603, ये भी 1603, तो कौन सी डेट में एक्सपायर हुई थी? एक्सपायर हुई थी क्या पूछ रहा है? अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ ने परफॉर्म किया था उनके सामने, कब किया था बताइए? हाँ जी, 15 मार्च। याद रखो 15 मार्च में किंग जेम्स के सामने हुआ था। 2 फेब 1603, ये दोनों डेट याद रखिएगा। 2 फेब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्मेंस है, और 15 मार्च 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट के सामने परफॉर्मेंस है। समझो जी क्या करें, आवाज नहीं आई। नथिंग की आवाज़ प्रॉपर आ गई है। हाँ चलो बताओ बताओ क्या करते हो, दोबारा बताओ। वो ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें, ऑप्शन पर ऊपर डिपेंड करता है। एक बार पढ़ के देख लीजिएगा फाके फिर भी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा कंपनी ऑन द एक्सेसन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन 1603? जब वो राजा बना या उसके राज्याभिषेक हुआ 1603 में, तो उसकी ड्रामा कंपनी का नाम क्या था? रॉयल्समैन, लॉर्ड्समैन, इनमें से है कोई सा? रॉयल्समैन कहाँ से आ गया इसमें? रॉयल्समैन नहीं था। अब और देख लो, एक है किंग्समैन, एक है लॉर्ड चैम्बरलियंसमैन, कौन सा है? हाँ किंग जेम्स का पूछा ना उसने, किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम पे क्या नाम था उसका? किंग्समैन था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन। उस टाइम पर ये नाम था और किंग जेम्स के टाइम पे ये नाम था। इन दोनों नामों को याद रखना, उसकी ड्रामा कंपनी जो थी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक, फॉरबियर टू डिग द डस्ट, एनक्लोज्ड हियरर ब्लेस्ड, बी दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट, बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। बताइए कहाँ से लाइन ली गई है। किंग लियर से, विलियम शेक्सपियर के मेमोरियल म्यूजियम से, शेक्सपियर्स के टॉम्ब से, या लंदन हाउस से। कहाँ से? हाँ, शेक्सपियर के टॉम्ब से, उसके मकबरे से इसको लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा ना टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड, मतलब इसके मकबरे पे लाइन लिखी हुई है, विलियम शेक्सपियर के मकबरे पर। चलिए आगे आइए। Which one is the correct statement about Shakespeare's folios? शेक्सपियर के फोलियो जो थे, इनमें से उनके बारे में कौन सी बात, क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट है। यानी कि तीन बातें गलत होंगी, एक बात सही होगी। चेक कीजिए कौन सी बात सही है। पहला है, उसने कहा कि शेक्सपियर्स वर्क वर रिटन फॉर प्रिंटिंग नॉट फॉर मेयरली परफॉर्मेंस एंड सून दे वर असेंबल्ड इन क्वार्टोज एंड फोलियोज। ठीक है, ये गलत है भाई। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामाज या प्लेज लिखे थे वो प्रिंटिंग के लिए लिखे ही नहीं थे शुरुआत में, वो सब परफॉर्मेंस के लिए लिखे हुए थे, बाद में उनको प्रिंट करके फोलियोज में लिखा गया। तो जबकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, उसने कहा कि उसके जो वर्क लिखे गए थे वो प्रिंटिंग के लिए नहीं थे, नॉट फॉर, सॉरी वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए थे, नॉट फॉर मेयरली परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस से कोई मतलब, जबकि ऐसा नहीं था, विलियम शेक्सपियर ने ऐसे नहीं लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड देखो, पैरिक्लस एंड द टू नोबल किनमेन, जो किन्समैन थे, ये दो चीज़ें हैं, दो वर्क हैं। पैरिक्लस एंड द टू नोबल किनमेन, सॉरी किन्समैन, वर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। पैरिक्लस तो छोड़ दिया गया था ना, फर्स्ट फोलियो में कहाँ पब्लिश हुआ ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ऑप्शन, द थर्ड फोलियो वॉज इश्यूड इन 1636 विथ 36 प्लेज पब्लिश्ड बाय फिलिप चैवेंडल, जो भी नाम है इसका। हाँ, इसकी डेट ही गलत है। थर्ड फोलियो इसमें पब्लिश ही नहीं हुआ था, 1663 में पब्लिश हुआ था। 1636 में तो फोलियो पब्लिश नहीं हुआ इसको कोई भी। एक फोलियो हुआ 1623, दूसरा 1632 और तीसरा 1663। तो 36 तो है ही नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और क्या सेकेंड फोलियो वाज अपीयर्ड। अच्छा, एक और चीज़ है इस लाइन में, थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को ये नाम याद रखना, फिलिप शेवेंडे या चेवेंडे बोल देते हैं, शेवेंडे याद रख लीजिएगा, फिलिप शेवेंड सेकंड, और ये हस्बैंड था रॉबर्ट एलॉट की वाइफ का। जिस समय सेकंड फोलियो पब्लिश किया गया था इसका, थर्ड फोलियो सॉरी, तो थर्ड फोलियो जो पब्लिश किया गया था, तो रॉबर्ट एलॉट जो था जिसने सेकंड फोलियो पब्लिश किया था, वो उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ से शादी हुई थी फिलिप शेवेंड की, ये बता रखा मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी। और इसी वजह से नेक्स्ट फोलियो के पब्लिशिंग राइट्स इसको मिल गए थे, याद है वो पॉइंट। चलिए, तो ये तो वैसे तो ठीक है, फैक्ट तो सही लिखा है लेकिन डेट ही गलत लिखी हुई है इसकी। आगे लिखा था सेकंड फोलियो वाज अपीयर्ड इन 1632, डेट सही है, ईयर सही है, ठीक है। आइजैक ज़ेगर्ड डाइड इन 1627, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, आइजैक ज़ेगर्ड की डेथ हो गई थी। एंड एडवर्ड ब्लाउंट हैड ट्रांसफर्ड हिज राइट्स, इसको जो राइट्स है ना छापने के सेकंड फोलियो को, वो राइट्स किसको दे गए थे इसने, रॉबर्ट एलॉट को मिल गए थे 1630 में। सेकंड फोलियो के जो पब्लिशिंग राइट्स थे वो किसके पास थे, रॉबर्ट एलॉट के पास में। फर्स्ट फोलियो के राइट्स किसके पास में थे, आइजैक ज़ेगर्ड और विलियम ज़ेगर्ड के पास में। ये पढ़ के देखना, फोलियो को सारा पढ़ के देखना एक बार, ठीक है। और थर्ड में क्या हुआ था कि रॉबर्ट एलॉट की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिर इसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ से शादी हुई थी फिलिप शेवेंड की, और फिलिप शेवेंड को फिर राइट्स मिल गए थे थर्ड फोलियो के लिए। ये थोड़ा सा हिस्ट्री को आप समझिएगा, वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ दीज वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज नॉन एज द ग्रेवर लेबर। द ग्रेवर लेबर, ये ध्यान रखिएगा कौन सा है, वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुसियस, किंग लियर और लवर्स कंप्लेंट। पता है नहीं पता है? नहीं पता, ध्यान रखो रेप ऑफ लूसियस। ये कल जब क्लास आएगी कल वो पढ़ेंगे रेप ऑफ लूसियस के बारे में, तो ये वहाँ से कुछ वर्ड्स आएंगे, लेकिन इनको बार बार पढ़ते रहिए, इन्हें रेगुलर रिवाइज रखिए, ठीक है। और इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, और ऐप के ऊपर भी रहेगा और व्हाट्सएप पे भी रहेगा। तो इसको जो ना रेगुलर वहाँ से PDF का प्रिंट निकाल लेना, लेकिन टिक मत करना। PDF का प्रिंट निकाल के उसे क्वेश्चन की फॉर्म में रखो, रेगुलर बनाओ और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, किसने क्या कहा। जो जो बना सकते हो उसे बनाइए, जिसे याद रख सकते हो उसे याद रखिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप पर्टिकुलर नोट्स बना के चले, ठीक है। और कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इज़ द सेकंड पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। रेप ऑफ लूसियस। एक रेप ऑफ लूसियस है, एक फिनिक्स एंड टर्टल है। फिनिक्स एंड टर्टल के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, रेप ऑफ लूसियस के बारे में भी कल पढ़ेंगे। और एक है विनस एडोनिस और एक पैशनेट पिलग्रिम। कौन सी है? ए, ठीक है ना। और फर्स्ट पोएट्री कौन सी है? विनस एंड एडोनिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुम डज द वर्ड टर्टल, ये जो टर्टल वर्ड लिया गया है कौन सी पोएम से लिया गया था? फिनिक्स एंड टर्टल में नाम है इसका, देखिए। हुम डज द वर्ड टर्टल पॉसिबल सिग्निफाई इन द पोएम द फिनिक्स एंड द टर्टल, ये किसके लिए कहा गया है? विलियम हर्बर्ट, बेन जॉनसन, ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ और किंग जेम्स फर्स्ट। इसका मतलब है उसने क्वेश्चन को घुमाया है, उसने पूछना चाह रहा है वो कि इसने इस पोएम को या इस पोएट्री को डेडिकेट किसके लिए किया। होम डज द वर्ड टर्टल पॉसिबली सिग्निफाई द पोएम, सिग्निफाई इन द पोएम, तो भाई जिसके लिए इसने टर्टल वर्ड लिखा होगा उसी को इसने डेडिकेट किया होगा। तो ये किसके लिए कहा था? बेन जॉनसन, क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स फर्स्ट, जबकि क्वीन एलिजाबेथ भी इसी के टाइम की थी, किंग जेम्स भी यही था, बेन जॉनसन भी आसपास का ही था, कोई सरदर्दी नहीं थी इसको भी, और विलियम हर्बर्ट को इसने बहुत से डेडिकेट किए। तो डेडिकेट जब भी जाएगा तो विलियम हर्बर्ट के लिए। विलियम हर्बर्ट वही है ना, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन, हाउ मैनी पोएम्स डिड शेक्सपियर कंपोज इन पैशनेट पिलग्रिम। इसकी एक पोएम थी पैशनेट पिलग्रिम, में इसने कितनी पोएम कंपोज की थी? पढ़ा है कभी ललित? 6 पोएम्स। नहीं पढ़ा तो याद रखो, पैशनेट में जो पैशनेट इसका पिलग्रिम था, पैशनेट पिलग्रिम में इसने 6 पोएम्स का कंपोजिशन लिया था। 6 पोएम्स यहाँ पे थी, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ते रहना, लेकिन ध्यान रखना 6 पोएम्स का कंपोजिशन है। लेकिन धीरे धीरे अगले वर्ग के जो क्वेश्चन होंगे हम पहले दिन करेंगे थोड़े थोड़े से, जैसे रेप ऑफ लूसियस के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, पढ़ के आओगे। हालांकि इसकी स्टोरी मैं कल डाल दूंगा 1-2 बजे के आसपास यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो फिर भी पढ़ के आना उसमें। और रेप ऑफ लूसियस का भी और एक और पोएम है जिसको देखें कौन सी उठा सकते हैं। इन दोनों पोएम्स का कल ही मैं उसको यूट्यूब के ऊपर डलवा दूंगा, उसकी जो समरी है वो 5-5, 7-7 मिनट की समरी काफ़ी है, तो हल्का सा स्टोरी समझ में आना चाहिए, काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये शाम की क्लास में आप उठाइए उसको। देखिए द फिनिक्स एंड द टर्टल, हाँ क्या पूछ रहे हैं? पूछना कुछ नहीं। द फिनिक्स एंड द टर्टल इज कंपोज्ड इन, जो फिनिक्स एंड टर्टल है ये देखो, ये तो कंफर्म है फिनिक्स एंड टर्टल। फिनिक्स एंड टर्टल डेडिकेटेड किसको थी? ये विलियम हर्बर्ट जो भी है, ठीक है ना। अब ये पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ है, इसको समझ कर फिनिक्स एंड टर्टल जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना। ये इसमें 13 क्वार्ट्रेंस और 5 ट्रिपलेट्स हैं, 13 क्वार्ट्रेंस एंड 5 ट्रिपलेट्स। और क्वार्ट्रेन का जो राइम स्कीम है इसका वो है ABBACCC, ये ध्यान रखना। इसमें ABBA क्वार्ट्रेन हो गया और CCC इसका ट्रिपलेट हो गया, ये पॉइंट समझ के चलना इसमें। तो ये जब पोएम आएगी तब इसे पढ़ना, लेकिन उसमें ध्यान रखना इसमें 13 क्वार्ट्रेंस हैं और 5 ट्रिपलेट्स हैं, समझ जाओगे। 13 क्वार्ट्रेंस, 5 ट्रिपलेट्स। क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइन की पोएम और ट्रिपलेट मतलब 3 लाइन का एक स्टेंजा फॉर्म। आगे देखिए, वेयर इज द सेटिंग ऑफ रेप ऑफ लूसियस बाय विलियम शेक्सपियर। रेप ऑफ लूसियस को विलियम शेक्सपियर ने कहाँ पर, किस प्लॉट पर या किस जगह पर इंकित किया है, यानी कि कहाँ पे उसकी घटना को दिखाया है? फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में, जर्मनी में। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे इंग्लैंड करके आते हैं क्योंकि इंग्लैंड की बात चल रही होती है, जबकि इसने इसे रोम से लिया था, इसमें जो जगह दिखाई थी वो रोम की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें लूसियस के भी क्वेश्चंस हैं, रेप ऑफ लूसियस, इसमें आपके विलियम शेक्सपियर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वेनस एंड एडोनिस के बारे में। तो वेनस एंड एडोनिस के फैक्ट्स आप याद करो, कितने लाइन की पोएम है, क्या उसका स्टेंजा फॉर्म है, क्या क्या चीज़ उसके बारे में है, उन सबको एक बार एग्जैक्टली याद रखिए, ठीक है। बाकी कल यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं दो वीडियोस, एक तो आपका रेप ऑफ ल्यूसियस की समरी और दूसरा एक पोएम और उठाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसे रेगुलर करते जाओ, इनको याद करते जाइए। चलिए भाई, कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए एक बार।